रोपाई विधि को समझने के बाद बारी आती है पौध लगाने या पौध प्रवर्धन को जानने की। आपको बता दें कि पौध प्रवर्धन की तीन विधियां हैं। पहला, जड़ द्वारा। इस विधि में आप सीधे जड़ की रोपाई करते हैं, लेकिन इस विधि से रोपाई करने के लिए अधिकांश किसान भाइयों के पास अधिक संख्या में पौधों की जड़ें उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसके अलावा इस विधि में सूत्रकृमि की समस्या भी देखी जाती है। दूसरी विधि है बीज द्वारा परवल की रोपाई। इस विधि से रोपाई करने के बाद नर और मादा पौध की पहचान ठीक से नहीं हो पाने के कारण उत्पादन में काफी कमी आती है। तीसरी और सबसे कारगर विधि है लता कृंतकों द्वारा परवल की रोपाई। इस विधि में लत्तर के टुकड़ों को रोप दिया जाता है। किसान भाइयों, तना कृंतकों या लत्तर के टुकड़ों को जुलाई से अक्टूबर तक कभी भी लगाया जा सकता है।